गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड 16th लेसन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ काजेज को पढ़ा था, जैसे रिलीजियस काजेज को पढ़ा था। अब हम ही मिलिट्री काजेज के बारे में पढ़ेंगे और मिलिट्री काजेज में जो दिया गया है वो सबसे पहले पेज नंबर 111 को देखेंगे हमारी टेक्स्ट बुक के। तो देखें ऊपर से, द इंडियन सोल्जर्स और सिपाहीज इन द कंपनी आर्मी वर पेड लेस एंड ट्रीटेड बैडली। जो भारतीय सिपाही थे उनको वेतन की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं तो बहुत कम मिलती है और उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार भी किया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। फिर दिस मेड द इंडियन सिपाही एंग्री। इससे जो इंडियन सिपाही थे वो क्या हो गए थे, एंग्री हो गए थे, नाराज हो गए थे। बाय द मिड 19th सेंचुरी, और जो 19वीं शताब्दी का बीच था या मध्य था उसमें क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज रेडी टू रेज द बैनर ऑफ ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। जो अधिकतर नॉर्थ इंडिया था उसमें क्या था कि हर कोई अंग्रेज़ों के विरोधी या ब्रिटिश ऑपरेशन के विरोधी, अंग्रेज़ों ने जो शोषण किया था उसके विरोधी विरोध करने के लिए तैयार खड़ा था। सम इंडियन रूलर्स लाइक नाना साहेब, ताता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल यूनाइटेड अंडर द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। ये सारे के सारे लीडर जो हैं, जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनके लीडरशिप में इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद इमीडिएट काज कौन सा था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट इन द मिलिट्री कैंप एट मेरठ। 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत मेरठ कैंप से शुरू हुई थी। मेरठ में जो मिलिट्री कैंप था वहाँ से स्टार्ट हुई थी। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड न्यू राइफल्स कॉल्ड एनफील्ड। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक नई राइफल्स थी वो, जिसको एनफील्ड का नाम दिया गया था, वो मंगवाई थी, वो यूज़ करने के लिए दी थी। ए रूमर स्प्रेड दैट द कार्टेज वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ ए काउ एंड पिग्स। और एक ये अफवाह फैला दी गई थी कि इस कार्टेज पर, कारतूसों पर जो ग्रीस लगा हुआ है, यानी कि जो उन पर काउ और पिग्स इन दोनों का मांस या चर्बी लगी हुई है। द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द एंड्स ऑफ द कार्टेज टू लोड द न्यू राइफल्स। और सोल्जर्स को ये कार्टेज राइफल के अंदर लोड करने से पहले इनको मुंह से छीलना पड़ता था। दिस एंगर्ड बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम सोल्जर्स। इससे क्या हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स जो थे वो नाराज हो गए थे। दिस इज बिकॉज द हिंदू रिगार्ड द काउ एज होली एंड द मुस्लिम कंसीडर्ड द पिग्स एज अनक्लीन। इसका मतलब ये था कि जो हिंदू थे वो काउ को होली के रूप में, यानी कि पवित्रता के रूप में देखते थे, और मुस्लिम जो थे वो पिग को अनक्लीन समझते थे। द सोल्जर्स दस रिफ्यूज टू यूज दिस बुलेट्स। इसलिए जो सोल्जर्स थे उन्होंने इन बुलेट्स को यूज करने से मना कर दिया। एंड ऑन बींग प्रेशराइज्ड सोल्जर्स रिवोल्टेड एंड स्टार्टेड ए म्यूटिनी। और सभी के सभी सोल्जर्स को प्रेशराइज होना पड़ा, रिवोल्टेड एंड स्टार्टेड ए म्यूटिनी। और ऐसे प्रेशर में आकर के सभी सोल्जर्स जो थे वो बगावत पर उतर आए थे। म्यूटिनी मतलब बगावत, या उनके खिलाफ ही हो गए थे। दैट इज़ वाई द रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज द सिपाही म्यूटिनी। इसलिए इस रिवोल्ट को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है या सैनिक बगावत भी कहा जाता है। तो इस इमीडिएट काज में हमने पढ़ा कि जो
1857 रिवॉल्ट थी, इसकी शुरुआत मेरठ कैंप से हुई थी। जो आर्मी कैंप था वहाँ पर ब्रिटिश ने नई राइफल जो थी एनफील्ड, उसको इंट्रोड्यूस किया था। और साथ में ये अफवाह भी फैल गई थी कि इस राइफल में जो कार्टिज यूज किया जाएगा उस पर गाय और सुअर की जो चर्बी है वो लगा रखी है, और सोल्जर्स को, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको इन कार्टिज को राइफल के अंदर लोड करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। तो इंडियन आर्मी में ज़्यादातर मुस्लिम और हिंदू जो सिपाही थे वो शामिल थे, और दोनों के दोनों, हिंदू जो थे वो गाय को पवित्रता के रूप में देखते थे और मुस्लिम जो थे वो सुअर को अनक्लीन के रूप में देखते थे। तो इस तरीके से दोनों जो थे वो इस कार्टिज को मुंह से छीलने से मना कर देते हैं या इसका यूज करने से मना कर देते हैं, और जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे बगावत पर उतर आते हैं। उन्होंने एक सिपाही मुटिनी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद है रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट के रिजल्ट क्या निकले थे? द रिवॉल्ट स्प्रेड रैपिडली टू ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड देन टू सेंट्रल इंडिया। जो रिवॉल्ट थी, ये रिवॉल्ट बहुत जल्दी नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से में फैल गई थी और फिर सेंट्रल इंडिया में भी ये फैल गई थी। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज कर्स्ड बाई द ब्रिटिश। दुर्भाग्य की बात ये थी कि इसको अंग्रेजों ने दबा दिया था। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन। क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनके पास बहुत अच्छे हथियार थे एंड ए बिग आर्मी, और बहुत बड़ी आर्मी भी उनके पास थी। मोर ओवर मैनी इंडियंस आल्सो स्पॉटेड द ब्रिटिश। इससे ज़्यादा बात क्या थी कि भाई जो इंडियंस थे वो भी बहुत सारे ऐसे थे जो ब्रिटिश को स्पॉट कर रहे थे। बहादुर शाह जफर द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जाइल। बहादुर शाह जफर को, इस रिवॉल्ट का जो लीडर था, उनको कैप्चर कर लिया था, बंदी बना लिया गया था और उनको एग्जाइल कर दिया गया था। अदर लीडर्स लाइक नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई वर आल्सो किल्ड। दूसरे नेता जो थे नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई वो भी मारे गए थे। फिर है रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। कि फेलियर ऑफ रिवॉल्ट क्या था, मतलब जो रिवॉल्ट थी उसके असफल होने के कारण क्या थे, रीजंस क्या थे। तो सबसे पहले, कोई भी जो ग्रुप में किया गया काम अगर फेल होता है तो उसका कारण यही होता है कि उसमें यूनिटी की कमी होती है। तो सबसे पहले जो कारण माना जाता है वो यही माना जाता है, लैक ऑफ यूनिटी, के यूनिटी की कमी थी, एकता की कमी थी। तो लैक ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल लेड टू द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। इसी रिवॉल्ट के फेलियर होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि एकता की कमी थी। मैनी इंडियंस हैड साइडेड विद द ब्रिटिश। मैनी इंडियंस यानी कि बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो ब्रिटिश की साइड थे एंड डिड नॉट सपोर्ट दोज हु हैड रिवॉल्टेड, और उन्होंने उनका साथ नहीं दिया जो रिवॉल्ट को किए हुए थे, यानी कि जिसने क्रांति की शुरुआत की थी उनके पक्ष में वो नहीं थे, बल्कि वो ब्रिटिश के फेवर में लड़ रहे थे। नेक्स्ट है वीक लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। अगर लीडर अच्छा नहीं होगा या लीडर में की लीडरशिप में अगर कमी होगी तो भी कोई भी रिवॉल्ट जो है वो फेल हो जाएगी। तो वीक लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर वाज अनदर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। बहादुर शाह जफर की कमज़ोर लीडरशिप जो थी उसके कारण भी रिवॉल्ट जो थी वो असफल हो गई थी। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज नॉट एबल टू यूनाइट द पीपल अंडर द वन अंडर वन फ्लैग। जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो भी असफल हुए थे लोगों को एक ही झंडे तले रखने में।
यानी कि लोगों में एकता स्थापित करने में लास्ट मुगल एम्परर मीन्स बहादुर शाह जफर जो थे वो असफल हुए थे। ही आल्सो फेल्ड टू इंस्पायर देम, वे उन्हें इंस्पायर करने में, प्रेरित करने में असफल रहे थे। टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, के इंडिया को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़नी थी उसके बारे में वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो फेल रहे थे। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, ये भी रीजन सबसे बड़ा माना जाता है। कोई भी जीत अगर हासिल करनी है, किसी भी फील्ड में अगर जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए डिसिप्लिन जो है वो मस्ट होता है। तो इस रिवोल्ट में क्या था, जो इंडियंस थे उनकी साइड से डिसिप्लिन और मिलिट्री ट्रेनिंग और इक्विपमेंट, इन तीनों की कमी पाई गई थी। ना तो उनके अंदर डिसिप्लिन था, ना ही मिलिट्री ट्रेनिंग अच्छी थी, और ना ही इक्विपमेंट अच्छे थे ब्रिटिश के कंपेयर में। तो वाज एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द रिवॉल्ट फेलियर, ये तीनों जो थे ये इस रिवॉल्ट के फेल होने का बहुत बड़ा कारण थे। द इंडियन रेबल्स वर इल ट्रेन एंड इल इक्विपाइड इक्विप्ड अगेंस्ट द ट्रेन ब्रिटिश आर्मी, और जो इंडियन रेबल्स थे वो इल ट्रेन थे, यानी कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी, और उनके पास जो हथियार थे वो भी अच्छे नहीं थे ब्रिटिश आर्मी की बजाय। फिर है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की रिवोल्ट हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। द रिवोल्ट वॉज व्यूड एज ए फेलियर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिवोल्ट ने देखा, रिवोल्ट के बाद पता लगा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह है टू गवर्न द कंट्री, यानी कि कंट्री को, कंट्री पर शासन करने में पूरी तरह से असफल रही थी। अंग्रेजों ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह है भारत में गवर्न करने में पूरी तरह से असफल रही थी, तभी तो इतनी बड़ी रिवोल्ट जो थी वो हुई थी। तो इसका रीजन जो था, अंग्रेजों ने यही मान लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रूल इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्या हुआ था फिर, अंग्रेजों ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो था वो छीन लिया था और अब वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया था या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ ऑफ द इंडियंस, अभी ब्रिटिश क्राउन जो था उसने निर्णय लिया था, क्योंकि जो रीजन था यहाँ पर रिवोल्ट का वो एक रीजन ही, यहाँ की जो मान्यताएं थी, यहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनके साथ कंपनी ने मतलब कुछ ना कुछ ही बेड पॉलिसी जो थी वो अपनाई थी। तो ब्रिटिश क्राउन ने सोचा कि भाई जो इंडिया के लोग हैं उनकी रिलीजियस और सोशल जो बिलीफ हैं उनके साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। द रिवोल्ट शोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, इस रिवोल्ट ने क्या कर दिया था, इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसके बीज बो दिए थे, यानी कि राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो जाग गई थी। मैनी इंडियन लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 फॉर इट गेव देम होप दैट द ब्रिटिश वर नॉट अनबीटेबल, बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे इस रिवोल्ट से, इससे प्रेरित हुए थे कि जो 1857 की रिवोल्ट है इसने उन लोगों को एक होप दिखाई थी, एक आशा दी थी कि ब्रिटिश जो हैं, अंग्रेज जो हैं वो अनबीटेबल नहीं हैं, यानी कि ब्रिटिश ऐसे नहीं हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता। द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वॉज ए रिजल्ट ऑफ दैट होप, और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था वह इसी आशा का एक परिणाम था।
तो इस लेसन में हमने ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड, इस लेसन में हमने इंडिया की जो सर्चिंग थी उसको लेकर के, और इंडिया सर्च होने के बाद यहाँ पर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट और बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, इनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके रीजन्स के बारे में पढ़ा था कि भाई उसका रीजन क्या था कि जो रिवोल्ट हुई थी इतनी बड़ी वो क्यों हुई थी, लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन से, उसके रूलिंग जो सिस्टम था उससे परेशान हो गए थे। इसमें फार्मर्स, आर्टिसंस और जो दूसरे इंडियन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल्स, ये सभी काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर रिलीजियस रीजन भी थे कुछ, रिलीजियस रीजन जो थे उनमें जो इंडियन थे उनमें क्या था कि उनको क्रिश्चियनिटी देने के लिए काफ़ी परेशान किया जाता था, उन पर दबाव डाला गया था, और लोग जो थे वो अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जो रिलीजियस रीजन थे उनके कारण भी ये रिवोल्ट जो थी वो हो गई थी। फिर मिलिट्री काजेज भी थे, मिलिट्री काजेज में क्या था कि मिलिट्री के जो हमारे इंडियन मिलिट्री के जो सिपाही थे उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था अंग्रेज सिपाहियों की कंपेयर में। तो अंग्रेज सिपाही जो थे उनको सैलरी अच्छी दी जाती थी, जबकि इंडियन सिपाही जो थे उनको सैलरी भी अच्छी नहीं दी जाती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था। तो इसलिए क्या हुआ था, जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो क्या किया उन्होंने, वो सारे के सारे उन्होंने एक म्यूटिनी कर दी थी, एक बगावत शुरू कर दी थी, किसके खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। फिर कुछ इमीडिएट रीज़न था, इमीडिएट रीज़न में क्या था कि इमीडिएट में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक नई राइफल जो थी वो लॉन्च की थी। उस नई राइफल को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये अफवाह उसके साथ फैल गई थी कि जो नई राइफल है उस पर जो कार्ट्रिज लगा हुआ है वो, उस पर गाय और सुअर की जो चर्बी है वो लगी हुई है, और कार्टेज जो है जब इस राइफल के अंदर लोड किया जाएगा तो उससे पहले उसको मुंह से छीलना पड़ेगा। तो इंडियंस जो आर्मी थी उसमें ज़्यादातर जो सिपाही थे वो सारे के सारे हिंदू और मुस्लिम थे, और हिंदू और मुस्लिम गाय और सुअर के खिलाफ थे कि भाई इनकी जो चर्बी है वो हम मुंह से नहीं छील सकते। तो इसलिए वो सारे के सारे सिपाही जो थे वो उसके खिलाफ ही चले गए थे। फिर हमने पढ़ा था जो रिवोल्ट थी उसके फेलियर होने के रीज़न क्या थे, और रिवोल्ट के रिजल्ट क्या निकले थे। रिवोल्ट के रिजल्ट ये निकले थे कि सबको पता लग गया था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन करने में असफल रही है, और साथ में जो हमारा इंडिया था वहाँ पर भी नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग थी वो डेवलप्ड हो चुकी थी। और इसके बाद रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट पढ़ा था हमने कि भाई इसके फेल होने के रिजल्ट क्या थे। एक तो लैक ऑफ यूनिटी थी, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा रीजन बताया था कि वीक लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह की जो लीडरशिप थी वो भी काफ़ी कमज़ोर थी, वो सारे के सारे इंडियंस को एक झंडे तले लाने में असफल रहे थे। फिर लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, इंडियंस में डिसिप्लिन की कमी थी, मिलिट्री जो थी वो अच्छी तरह से ट्रेन नहीं थी, और उनके पास अंग्रेजों की तुलना में इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो
ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। और ब्रिटिश क्राउन ने एक डिसीजन लिया था कि जो इंडियंस हैं उनकी रिलीजियस और सोशल बिलीफ जो हैं उनमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और इससे रिवोल्ट के रिजल्ट दूसरे ये भी रहे थे कि इससे नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग थी वो लोगों में आ चुकी थी। और बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिनको ये एहसास हो गया था कि जो अंग्रेज हैं वो अनबीटेबल नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो लोग थे उनको मन में ये चीज आ गई थी कि भाई इंडियन ये ब्रिटिश जो हैं उनको आसानी से हराया जा सकता है अगर हम एक होकर के उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो। और जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन था, वो इसी का ये कि परिणाम था। तो ये था हमारा 16th लेसन, ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड। और ये लेसन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन को हम ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस लेसन्स को हम एक बार दोबारा से फिर ध्यान से एक बार अपने आप सेल्फ रिवीजन इसका करेंगे। थैंक यू।